नमस्कार, गुड फूड में आपका स्वागत है। आज हम हरे मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप हरे मटर लिया है, 3 से 4 टमाटर को काट के लिया है, थोड़ा शाही जीरा, दालचीनी और इलायची, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, या मैंने चोले मसाला लिया है, चाहे तो आप गरम मसाला या धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, थोड़ा मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर टमाटर के साथ अच्छा रहता है। थोड़ा बड़ा मेथी या छोटा मेथी, अदरक और तेल। हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें शाही जीरा, दालचीनी और इलायची डालेंगे। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी को थोड़ा तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक भी डालेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा ऑयल में फ्राई करने के बाद अब इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी के बाद यहाँ पे हम मेथी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं। किसी भी टमाटर या इमली के सब्ज़ी में मेथी का पाउडर और इसका टेस्ट एनहांस करता है, इसे हमने 1 स्पून मेथी का पाउडर डाला है। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें अब मटर डालेंगे। मटर को भी थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। मटर और टमाटर को अच्छे से ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। अब इसमें छोले मसाला या गरम मसाला जो कुछ भी ले रहे हैं वो इसमें डाल के लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे, ऑयल में 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। टमाटर और मटर दोनों भी बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसलिए 1/2 कप पानी काफ़ी है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कवर करके इसको कुक कर लेंगे। बीच में एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ी देर और उसको पकाएंगे। मटर और टमाटर अभी कुक होना है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट होके दिख रहा है, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। अब थोड़ा हरा धनिया डाल के इसको एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। देख रहे हैं कितना आसान है मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनाना। यह जीरा राइस के साथ बहुत ही अच्छा रहता है। रोटी या पराठा के साथ भी ले सकते हैं। यह इंटरेस्टिंग सब्ज़ी आप भी बना के खाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्थी रेसिपीज़ के लिए हमारे गुड फूड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।